कर दी, छोड़ दी, खत्म। अब रिक्वायरमेंट नंबर वन क्या है, पेपर में भी इस तरह निकालना होगा या हम डायरी भी निकालेंगे? यार मैंने कहा अच्छा कंपटीशन शो कर, तो उसका आंखों आने बना दिया है यार, काम कर हमें बताया दो मिनट बोलने यहाँ तक मतलब कोई टू रिकॉर्ड बैंड हमने रिकॉर्ड कर लिया भाई, टू रिकॉर्ड प्रोविजन प्रोविजन यहाँ तक मतलब किसी को भी यहाँ मतलब किसी को भी आगे चले भाई अभी तक नहीं है ना, फिर आगे भी नहीं हुआ इंशाल्लाह का आगे चला। अब उसने कहा कि क्या बना दो अकाउंट बना दो, बना पहले बनेगा अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट से इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ उसने, ओपनिंग बैलेंस 1.5 लाख, 1.5 लाख दिया हुआ देखिए कोई अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ उसने 1.5 लाख उसने सही अकाउंट से इसका ओपनिंग बैलेंस कितने दिया हुआ उसने 1.5 लाख आगे चलो सही है ना अकाउंट में और कितना बैलेंस सेल कितने किया हम लोगों ने और सेल हमने इस ईयर कितने करी 6,50,000 रुपए ये तो पुरानी सेल करी थी उसको बैलेंस हमारे लौट कर आया हुआ था ठीक है और सेल कितनी करी 6,50,000 ठीक है और अकाउंट से कितना 15 देखो ये सही ना 15,000 रुपए क्रेडिट साइड पर कौन बोला यार ये नुमार है कौन ₹15,000 ये अकाउंट बिल कितने 12,000 रुपए ये 12,000 रुपए ठीक है जी आसान को मुझसे याद है और कोई कैश कलेक्शन 3,50,000 और तो कोई नहीं है ना अकाउंट से और 8 लाख ये होगा कितने यहाँ पर इधर 8 लाख 15-12 ये होगा 27 ये 3.5 है सर 3,70,000 यहाँ तक मसला कोई किसी को भी मसला आसान सी बात ठीक है ना। इसके बाद उसने कहा कौन सा बैलेंस इसके बाद बना उसके बाद बैंक भाई ये बोरो फॉरवर्ड अगले महीने ये भी करा दिया मतलब यहाँ की क्लोजिंग अगले महीने को यहाँ पर ये जाने के नेक्स्ट तरीके क्या रखते हैं लेकिन पहले आगे बढ़ा लिए मैंने धनिया आज आ जाओ बाल आप ही चाहे नहीं आप ही चाहे अच्छा अच्छा अभी तो देखो दोबारा रिपीट में क्या क्वेश्चन था यहाँ पर तुम लोग तो रेड आज सुन लो यहाँ पर क्वेश्चन था उन्होंने कहा हम लोग कर रहे हैं दो अप्रोचेस थे हमारे पास डायरेक्ट मटर इनडायरेक्ट मटर डायरेक्ट मटर हमारे पास क्या था क्योंकि उसमें परसेंटेज यहाँ पे गिवन नहीं होगी इनडायरेक्ट के ऊपर क्या होगी परसेंटेज गिवन होगी जब परसेंटेज गिवन होगी उसके अंदर भी दो मैटर होंगे इनकम अप्रोच इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और एक होगी हमारे पास बैलेंस शीट अप्रोच सही ना उस पर हम लोगों ने कैलकुलेट करना होगा प्रोविजन को डायरेक्ट मेथड के अंदर हम लोग वाले बेटर एक्शन डेबिट अलाउंस फॉर बेटर इन्वेंटरी नहीं बनाएंगे इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर यहाँ पर उसने कहा कि अकाउंट रिसीवेबल पे परसेंटेज अप्लाई करो तो हम लोगों ने वहां पर एंट्री पास करनी है बेटर एक्शन डेबिट अलाउंस फॉर बेटर इसको हम लोग प्रोविजन भी कहते हैं कि हम लोग अलाउंस फॉर बेटर यानी कि वो पैसा जो डूबने वाला था वो हम लोगों ने क्या कर दिया हमने बता दिया सही ना क्रेडिट साइड पर ये बात समझा गई। फिर इसके बाद जब उसमें यहाँ पर दो अप्रोच है इनकम स्टेटमेंट अप्रोच है बैलेंस शीट अप्रोच है बैलेंस शीट अप्रोच कहती है कि जो ना हमेशा
अकाउंट स्टेटमेंट के क्लोजिंग बैलेंस पर परसेंटेज अप्लाई करो, और इनकम स्टेटमेंट कहती है कि सेल्स के ऊपर, क्रेडिट सेल्स के ऊपर आप इनकम परसेंटेज अप्लाई करो। मैंने कह रहा यहाँ पर 6,30,000 रुपए क्रेडिट सेल कैलकुलेट करी, जब कैलकुलेट करें तो परसेंटेज क्वेश्चन के अंदर ही गिविन होगी, कितने परसेंट वहां पर गिविन थी, 1%। तो वेटेड कितना कैलकुलेट हुआ, 6,230 इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू, वेटेड एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। अगर मैं डायरेक्ट मेथड करता तो उसमें ये एंट्री अप्लाई नहीं करता, उस पर बैड डेट डायरेक्ट भी पता है, पता डूबने वाला है, मैं डायरेक्ट डूबने वाली एंट्री करूँगा। मगर यहाँ पर एक प्रोविजन खड़ा करता हूँ कि भाई ये पैसा डूब जाएगा, गैस होता है कि पैसा डूब जाएगा, तो एंट्री पास होती है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट।